गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 5.1. ठीक है, देयर आर फोर क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 5.1. ओके, आज हम फोर्थ, थर्ड और फोर्थ की बात करेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 5.2. फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. ओके, मैं पहले ही आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं बता चुकी हूँ. जिन्हें नहीं पता है, वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ द फिफ्थ चैप्टर. ठीक है, सो देखिए, आपको ये टर्म गिवन है. मैंने आपको बताया था जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है A1, ठीक है, दैट इज योर 3, जो सबसे स्टार्टिंग में आपकी लिखी होती है. ठीक है, तो आप लिखेंगे 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन. A इज इक्वल्स टू 3 और D की वैल्यू आपके पास क्या होती है, A2 - A1. ठीक है, तो आपने A2 - A1 निकाला, दैट इज, अब A2 कितना है आपका, लिख लीजिए यहाँ, A1 = A = 3. देन A2 = 1, A3 = -1. ओके, सो आफ्टर दैट A2 - A1, अब आपको जो ये है 1 - 3, दैट इज इक्वल्स टू -2. ये कितना हो जाएगा आपके पास, -2. ठीक है, सिमिलरली हम D की और भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि D जो होता है आपके पास वो क्या होता है, दैट इज योर A4 - A3 ऑल्सो. तो जो आपका A4 है, दैट इज -3, पुट हेयर, ये हो जाएगा -3 - -1, दैट इज इक्वल टू -3 + 1, विच इज इक्वल टू -2. तो आप यहां लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज 3 एंड D, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस -2. ये आपका क्या हो जाएगा, -2. ओके, सो अब इसके काफी सारे पार्ट्स हैं जो आपको करने हैं. मैं एक और आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, दैट इज योर थर्ड पार्ट. 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये आपको गिवन है. ओके, इसी तरीके से फाइंड आउट करने हैं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कि अब रैशनल में आ गया है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको. ठीक है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. राइट हेयर, ए कितना है, A1 आपका 1/3, डी is your A2 - A1, that is 5/3 - 1/3, which is equals to 4/3. Similarly, आप दूसरे से भी निकाल सकते हैं, A4 - A3 से. It means that is 13/3 - 9/3, which is equals to again 4/3. तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, so first term, और we can say therefore, first term is 1/3, D, that is your कॉमन डिफरेंस. आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ गया है यहाँ पर, 4/3. ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है. इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो भी आपको खुद करने हैं. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फोर्थ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स. ठीक है, और मोर आइटम्स जो है आपने लिखनी है. पहले ये बताना है ये एपी है या नहीं है. ठीक है, नाउ लेट अस कंसिडर योर फर्स्ट जो आपको गिवन है सीरीज 8 and 16. सबसे पहली चीज, एपी के लिए आपका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है. अब आप कहोगे, मैम कॉमन डिफरेंस सेम कैसे पता चलेगा, आप दो तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, वो सेम आना चाहिए. डी आपने निकाला A2 - A1, दैट इज 4 - 2, कितना आ रहा है, 2. एंड आप यहां लिख लीजिए A1 = 2, A2 = 4, A3 = 8, A4 दैट इज योर 16. ओके, आफ्टर दैट डी इज ऑल्सो A4 - A3. ओके, A4 इज योर 16 एंड A3 इज योर 8, दैट इज योर 8. ये आपका कितना आ रहा है, 8 आ रहा है. ओके, सिमिलरली आप A3 - A2 निकालेंगे तब भी आपके पास वो कितना आएगा, 4 आएगा. तो यहां से कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है. आप यहां लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, तो यहां से जो आपका कॉमन डिफरेंस आया है वो सेम नहीं है. कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम. सो दिस इज नॉट एन एपी. ये आपके पास एक एपी नहीं है. ओके, सिमिलरली अब आप देखिए, मैं आपको आपका फिफ्थ पार्ट बता रही हूं वो कैसे करना है. 3 + √2, 3 + 2 √2,
3 plus 3 root 2 like this. Okay. यहां पे देखिए अब आपका a1 कितना है 3, a2 कितना है 3 plus under root 2, a3 is your 3 plus 2 root 2, a4 is your 3 plus 3 root 2. अब आप d निकालिए, a2 minus a1, 3 plus under root 2 minus 3, cancel, this term is your under root 2, okay. After that, d, a4 minus a3, अब a4 कितना है, 3 plus 3 root 2 minus a3 minus this 2 root 2, cancel, 3 under root 2 minus 2 root 2. अब यहां से 3 को ले लीजिए आप कॉमन, 3 root 2 को ले लीजिए कॉमन, या 2 root 2 को, root 2 को सॉरी, आप यहां से under root 2 को कॉमन ले लीजिए, 3 minus 2, ये हो जाएगा आपका under root 2 और ये हो जाएगा 1, तो it means this one is root 2. अब यहां से भी common difference same आ रहा है, यहां से भी कम same आ रहा है, ठीक है, तो आप लिखेंगे D, the common difference, is same, so this series, or we can so this forms an AP. ये आपके पास क्या है, एक AP है, right? Similarly, आपको इसके बाकी जो remaining parts हैं वो solve करने हैं, right? In the next video, we will start your next exercise. Thank you so much.